टारगेट विद आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अंबरीश शुक्ल। यूपी टेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, अगर हम देखें सीटेट की तुलना में तो पूरे भारतवर्ष से महज 14 लाख लोगों ने ही सीटेट की परीक्षा दिया है, जहां 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु यूपी टेट मात्र उत्तर प्रदेश की परीक्षा है और इसमें 20 से 22 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। पिछले वर्ष 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, तो बहुत बड़ा डाटा है। इस बार लगभग 20 से 22 लाख लोग इसकी परीक्षा देंगे और यह बहुत बड़ा एग्जाम होता है अपने आप में, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब टेट के अंकों को भी मुख्य परीक्षा के गुणांक में जोड़ा जाएगा उसका कुछ प्रतिशत। अब यह निश्चित नहीं हो पाया है कि उसका 10% जोड़ा जाएगा या 25% जोड़ा जाएगा, अभी ये नए नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी यह जानिए कि टेट की परीक्षा अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसके अंकों का कुछ योग मुख्य परीक्षा के गुणांक में जोड़ा जाएगा। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, इसके बाद कल से मैं एक एक चैप्टर को शुरू करूंगा और पढ़ाई आप सबकी शुरू होगी। एक चीज आप ध्यान रखिए कि पिछले वर्ष जब मैंने यूपी टेट का बैच यहां से शुरू किया था, चलाया था, तो ज्यादातर छात्र इतने उत्साही थे क्योंकि समय एक महीने का था। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हुए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जागरूक हो जाइए, नहीं तो आंख के देखते देखते ही परीक्षा आपके सामने आ जाएगी और पिछली बार के जैसे आप रोएंगे कि सर अगर 2 क्वेश्चन और होता तो मेरा हो जाता। 3 से 4% स्टूडेंट हमारे यहां ऐसे भी थे जिनका 89 क्वेश्चन सही है, अगर वो ओबीसी एससी कैंडिडेट है तो उनका 81 या 80 क्वेश्चन सही है। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि अभी से ही तैयारी आप सब शुरू कर दें। चलिए आज मैं आपको पाठ्यक्रम की मुंह दिखाई करवाता हूं और इस पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको अवगत करवाता हूं। जैसा कि आपके यहां संज्ञा एवं संज्ञा के भेद की बातचीत की गई है, तो संज्ञा और देखिए जो यूपी टेट है उसमें परीक्षा में आप देख रहे हैं कि इस बार बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया है। पाठ्यक्रम भले वही है लेकिन पिछली बार का अगर आप प्रश्नोत्तर देख लें बहुत ज्यादा परिवर्तन था, इस बार भी जो प्रश्नों का प्रारूप होगा वो काफी भिन्न होगा। आप अगर देखें कि जैसे संज्ञा एवं संज्ञा के भेद से संबंधित अगर प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे तो किस तरह के प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाएगा कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। पहला प्रश्न पूछ लिया जाएगा मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से अगर आपसे पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो यह प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। इसी प्रश्न को और घुमा के पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सी संज्ञा का हिंदी में जन्म हुआ, हिंदी में जन्म हुआ। प्रश्न एकदम सहज है लेकिन प्रश्नों को तोड़ मोड़ के घुमा के पूछा जा रहा है। पिछले वर्ष का भी आप पेपर उठा के देखें, उसके पिछले वर्ष का भी पेपर उठा के देखें, तो अब जितने भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो नंबर्स कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, विभाजन क्या है, परिभाषा पर आधारित प्रश्न, ये सारे प्रश्नों के प्रारूप अब परिवर्तित हो गए हैं। तो अभी तक आप जो साधारण धर्रे पर अपनी तैयारी कर रहे थे उसका समय जा चुका है, अब आपको विशिष्ट तौर पर तैयारी करनी है। अब आपको यह तैयारी अर्थात यूपी टेट की तैयारी करते समय यह भी अपने मन मस्तिष्क में रखना है कि भाई अब इसके बाद हमको सुपर टेट की तैयारी करनी है। अभी से ही अपने मन मस्तिष्क में रखिए कि सुपर टेट की तैयारी करनी है, इसीलिए जिस भी चैप्टर को पढ़िए इस दृष्टि से पढ़िए कि आप
प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो नई शिक्षा नीति आई नहीं है, हो सकता है किसी के अंतर्गत एनटीए एग्जाम भी करवाए आपका, तो इसलिए किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए क्लियर करके। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अंग्रेजी के प्रभाव कारण संज्ञा कितने प्रकार की होती है और अंग्रेजी के प्रभाव से किन नई संज्ञाओं का जन्म हुआ है। आप जानते हैं कि मूल रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है, अंग्रेजी के प्रभाव कारण संज्ञा पांच प्रकार की होती है और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण दो नई संज्ञाओं का जन्म हिंदी में हुआ है। अब वो दो नई संज्ञाएं कौन सी हैं, एक को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और दूसरे को हम समुदायवाचक कहते हैं, जो कि पहले हिंदी में नहीं थी। इसी तरीके से अगर देखें सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, यहां भी दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है और सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, यह भी प्रश्न काफी क्रिटिकल है। विशेषण एवं विशेषण के भेद, यहां भी पूछा जाएगा कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। अब जितना है आपका पाठ्यक्रम सब में केवल इतना ही आप देखते जाइए कि कितने प्रकार का होता है, यही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। लगभग 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, हर बार आएगा। जो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर प्रश्नों की बात करें कितने प्रश्न फंसेंगे, कितने प्रश्न आएंगे, तो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वहां पर एक पैसेज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है, एक पैसेज पूछा जाता है और उसमें एक या दो प्रश्न हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होगा पैसेज से। पैसेज तो आपको बहुत बड़ा दिया जाएगा लेकिन प्रश्न जो होंगे एक से दो प्रश्न ही पैसेज में आपसे पूछे जाते हैं। फिर बाकी लगभग आपके 20 से 22 प्रश्न, 20 से 22 प्रश्न आपके विशुद्ध व्याकरण से होंगे। विशुद्ध व्याकरण से मतलब 22 प्रश्न अगर व्याकरण के रख लीजिए, दो प्रश्न अगर आप पैसेज के रख लीजिए, कितने हो गए 24। बचता है आपका 6 प्रश्न, 6 प्रश्न में लगभग 4 प्रश्न आपका हिंदी साहित्य से पूछा जाएगा। किसे पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य से। अच्छे समझिएगा, एक से दो प्रश्न पैसेज का, 20 से 22 प्रश्न आपका हिंदी व्याकरण का, 4 प्रश्न हिंदी साहित्य का और एक से दो प्रश्न हिंदी शिक्षण का। यूपी टेट और सीटेट में यही मूलभूत अंतर हो जाता है कि यूपी टेट में आपको केवल दो प्रश्न शिक्षण के मिलते हैं और केवल एक पैसेज मिलता है। सीटेट में आपको 15 प्रश्न शिक्षण के मिलते हैं और दो पैसेज मिलता है और प्रत्येक पैसेज में 3 से 4 या 5 प्रश्न होते हैं, तो यह अंतर हो जाता है सीटेट का। अगर मैं कहूं कि सीटेट और टेट में दोनों में आसान और सरल कौन सा है, तो मैं हमेशा छात्रों से यही कहता हूं कि सीटेट पास करना बहुत आसान है और सीटेट की तुलना में टेट को पास करना ज्यादा कठिन है। आप सब कहेंगे कि सर आप उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मुद्दा क्या है कि सीटेट में आपको कुछ भी रटना नहीं है और टेट में आपको सब कुछ रटना है। आप देखिए सीटेट का पेपर भी हुआ है, कितने व्याकरण के क्वेश्चन आए हैं, जो पढ़ा है वह भी उसी बराबर है, जो नहीं पढ़ा है वह भी उसी के बराबर है। मुख्य बात उसमें क्या होती है कि सीटेट में आपको शिक्षण आना चाहिए, जो विषय से संबंधित पैडागॉजी होती वह आनी चाहिए, वह नहीं आती तब आपके साथ समस्या है। तो यह रूपरेखा है, इसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी के अनुसार ही पूछे जाएंगे। आप इस अनुसार तैयारी मत करिएगा कि सीटेट के अनुसार करिए और सोचिए कि पैसेज आएगा, पैसेज पर आधारित प्रश्न होंगे, पैसेज नहीं आएगा। आप सोचिए कि शिक्षण का भी पोर्शन दिया गया है तो शिक्षण के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो शिक्षण के केवल 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा है गारंटी के साथ। पिछले वर्ष भी देख लीजिए, उसके पिछले वर्ष देख लीजिए, उसके पिछले वर्ष देख लीजिए, 2011 से लेकर 2018 तक देख लीजिए, मैंने जो कहा था वही सत्य हुआ है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं लेकिन जो मेरा एक आइडिया था, जो मेरा एक ये था कि तर्क था कि इस कारण ऐसा होगा, वैसा हुआ है।
अब देखिए यहां पर, फिर यहां पर अगर देखिए क्रियाम क्रिया के भेद यहां कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बना देगा कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। आप सब एक क्लास नोट्स अपनी बना लीजिए, यूपी टेट की एक क्लास नोट्स बना लीजिए, भले मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, क्लासेस सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन क्लास नोट्स क्या होती है कि आप पूरी क्लास नोट्स को महज 2-3 घंटे में अपने से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको आपने अपनी भाषा में लिखा है। इसलिए जरूरी है कि आप एक क्लास नोट्स बनाएं। लगातार कक्षाएं संचालित होंगी, अब उसमें कोई नहीं, सभी कक्षाएं चलेंगी, सभी विषयों की चलेंगी, इसलिए हर एक विषय का अलग अलग क्लास नोट्स आप बनाइए, जिस 60 नोट्स को आप अपनी भाषा में स्वयं तैयार करें। तो जो आज के हमारे प्रश्न हैं, इन सबको अपनी क्लास नोट्स में नोट करिए और सभी के प्रश्नों के उत्तर उनके सामने आप लिख के रखिए, ठीक है। क्रिया से दो प्रश्न आपको बताने हैं। पहला प्रश्न तो यह बताना है कि क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं। दूसरा है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है और जो वाच्य है ये किस पर आधारित होता है, या वाच्य की परिभाषा। कई बार देखिए हिंदी में भी वाच्य है और संस्कृत में भी वाच्य आपको पढ़ना है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में वाच्य से संबंधित जो परिभाषा है वो पूछी जाती है। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार चंद्रबिंदु में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इससे संबंधित जो आपके यहां है, त्रुटि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो आपकी वर्तनी की शुद्धि से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो यहीं से पूछे जाते हैं। कहां से? वर्तनी की शुद्ध से संबंधित सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों में संयुक्त अक्षरों, अब आपके यहां संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? 6 पूछा जाता है कि 6 सही लिखा कैसा जाता है। सबसे पहले 6 सही लिखना आप सीख जाइए। क्यों? अब देखिए, आपने यहां लिखा है क और यहां लिख दिया मूर्धन्य ष, इसी से मिलकर बनता है क्या? 6, इसी से बनता है। अब यह भी प्रश्न पूछता है कि इन दोनों में सही कौन सा लिखा है। ये हलंत होगा किस में? क में हलंत होगा या मूर्धन्य ष में होगा? मूर्धन्य ष में होगा कि क में होगा कि दोनों में हलंत होगा? यह भी तकनीकी आपको स्वयं से विकसित करनी है। जब भी पढ़ाया जाए, एक एक चीज को एकदम क्लियर आउट कर, एकदम फाइंड आउट करता है, कुछ भी आपके अंदर संशय न बचे। और तब मैं आपसे कहूंगा कि मित्रों, हिंदी में 30 में 30 आपका आएगा। अभी तक आया है, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े हैं सबका हिंदी में 30 में 30 आया है, संस्कृत में भी 30 में 30 आया है। और अपने भाषा के दम पर ही मैं छात्रों को कहता हूं कि आप 110 से प्लस कर लेंगे, 120 भी कर सकते हैं। अब यहां देखिए कि संयुक्त अक्षर ये है त्र, ज्ञ और श्र। यहां पर भी कंफ्यूजन होता है छात्रों को कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर दोनों में अंतर, संयुक्त व्यंजन कितने हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। कई छात्रों के दिमाग में रहता है कि संयुक्त व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या होंगे। किसी भी किताब में आप जाके ढूंढ लीजिए, आपको संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण स्थान नहीं मिलेंगे। तो संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण स्थान आप स्वयं से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कि यहां मूर्धन्य ष और क दिया गया है, तो दोनों का उच्चारण स्थान उसके नीचे रख दीजिए, जैसे गणित में उसका मान रखते हैं। मूर्धन्य षकार का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है, और यहां जो क है, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
अब इसका जो उच्चारण स्थान मूर्धन्य श का हो गया वो क्या हो गया, मूर्धा और कंठ होगा किसका, छ का। छ का उच्चारण स्थान मूर्धा और कंठ से, यही अंतर हो जाता है इनके उच्चारण में, क्योंकि उच्चारण से संबंधित जो शब्दकोश बनाए जाते हैं वही प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न छ और क्ष में अंतर से संबंधित पूछे जाते हैं और इनके उच्चारण में भी आप भिन्नता ला देते हैं। ये वाला जो छ है इसका उच्चारण कहां से होता है, इचु यशा नाम तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य है, परंतु इस छ का उच्चारण स्थान मूर्धा और कंठ से होगा। मतलब जब भी प्राण वायु को आप निकालेंगे तो आपका मुंह जो है थोड़ा सा खुला होगा और आपके कंठ से आवाज निकलते हुए मूर्धा में टकराते हुए बाहर निकलेगी, तब जो है छ का उच्चारण स्थान होगा, छ निकलेगा। अब आप कहेंगे कि सर हम मुंह में कैमरा लगा के थोड़ी बोलेंगे कि आवाज कहां से निकली, कहां टकरा रही है, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। छ और ये देखिए इसका उच्चारण आप कैसे कर रहे हैं, छ मतलब आपकी जिह्वा एकदम से तालु में टकरा रही है, और जब इसका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा को थोड़ा अलग रखेंगे छ। अब जैसे इसको पढ़ेंगे छात्र और इसको पढ़ेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय छात्र क्षत्रिय छात्र और क्षत्रिय, इस तरीके से इसमें अंतर आप देख रहे हैं और इन्हीं से संबंधित शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो संयुक्ताक्षर हैं उनसे भी, संयुक्ताक्षरों में आपके स्वर भी आ जाते हैं, कौन कौन से स्वर हैं जिसमें ए ऐ ओ और औ, इन सब का उच्चारण स्थान और ये किससे किससे मिलकर बने हैं यह भी प्रश्न आपके यहां पूछा जाएगा इसी संबंधित। ये जिसको मालूम है उसको स्वर संधियों में दो तीन संधियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से आ जाएंगी, बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे। संयुक्त व्यंजन हो गए, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर, बहुत सारे लोग अध्यापक बन जाते हैं तभी उनको अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर नहीं मालूम होता है। देखिए ये अनुस्वार है और ये चंद्रबिंदु है, इसमें अंतर क्या होता है, ये देखिए भारतीय परिपाटी का नहीं है, अभारतीय है, ये भारतीय है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आप बता दिए भारतीय है कि अभारतीय है, क्योंकि ये वैदिक परंपरा से मिला है और ये वैदिक परंपरा से हमको नहीं मिला है। तब नवीन ध्वनियों को जब हमने पूरा पूरा हिंदी में लिखने का प्रयास किया तब इस नई जो हमारी व्यवस्था की एक ध्वनि है इसको हमने स्वीकार किया। जो हमारे ये होता है अनुस्वार, ये मुख, इसके लिए एक सूत्र है संस्कृत में, मुख नासिका वचनो अननुनासिका, मुख और नासिका से उच्चरित वर्णों की जो संज्ञा होती है वो नासिक से होती है, नासिका से होती है। भले इनका उच्चारण स्थान आप मान लीजिए अंग बोलिए, अंग, अंग का उच्चारण करते समय आप जांच करिए कि आप अपनी नासिका को दबाइए और बोलिए अंग, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है अपना मुंह बंद करके अंग बोलो तब कैसे बोलेंगे, तभी नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों अंग का उच्चारण करने के लिए आपको मुख और नासिका दोनों की आवश्यकता है।
आप कहेंगे सर मैं नाक बंद कर लूं तो बहुत सारे वर्णों को नहीं बोल पाऊंगा। भाई का बोलना चाहो नाक बंद करके बोल सकते हो, का कोई दिक्कत हुई? अब कह दूं अंगा बोलो नाक बंद करके, अंगा नहीं बोल पाओगे। तो जिसका उच्चारण नासिका और मुख से दोनों से होता है उसकी संज्ञा नासिका की होती है। अब ये अंग जो है ये नासिका से उच्चरित होता है और जो चंद्र बिंदु है ये इसका आधा है। आप जानते हैं कि गणित में एक चिन्ह होता है जैसे एक है और इसके नीचे आपने ऐसे खींच के ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है कि एक का दो भाग कर दिया जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो हिंदी में ये बना वो कैसे बना, ये चंद्र था ये बिंदु था और इसके नीचे मैंने आधा कर दिया इसको। तो जब इससे आधा उच्चरित होता है ये, तब ये चंद्र बिंदु हो जाता है। मतलब जो अंग की बिंदी लगी, जो अंग है इससे आधा उच्चारण होता है तो चंद्र हो जाता है, मतलब उसका आधा हो जाता है। जैसे हम लिख दें चंद या चंदू लिख दें, अब चंदू लिखा हमने और इधर हम लिख दें चांद, तो चांद में जो हमारी नाक चांद, हम चाहे तो चांद का उच्चारण नाक दबाकर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उच्चारण हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहे नाक दबाकर चंदू शब्द का उच्चारण करना चाहे तो नहीं होगा। चंदू शब्द का उच्चारण हम नाक दबाकर नहीं कर सकते, लेकिन चांद का उच्चारण नाक दबाकर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि यह अर्ध है, अनुस्वार का अर्ध है और यह अनुस्वार का पूर्ण है, ये इनके बीच में अंतर होता है। बाद में कुछ ध्वनियों में और परिवर्तन किया गया और जो ये बिंदी लगी उसको हटा दिया, केवल इसको इस तरह से कर दिया, चांद ही रहने दिया, जो ऊपर का तारा था उसको गायब कर दिया। और यही मामला है कि जैसे कुछ नए शब्दों में इनको फारसी स्वर की संज्ञा दी गई और अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण के लिए इनकी आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे कहा गया हिंदी में तो कहते हैं डॉक्टर, बहुत सारे लोग डॉक्टर कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं डॉक्टर, और कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर। तो जितने लोग भी कहते हैं डॉक्टर वो क्या करते हैं, इस फारसी स्वर का जो है प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इस फारसी स्वर का, केवल एक चंद्र, ये है फारसी स्वर। जो आगत स्वर है, पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है एक और ये है फारसी स्वर। तो मित्रों आज बस इतना ही, अभी तो आप लोग गंभीर नहीं हैं, इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो में डाल के पहले आपको गंभीर करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब गंभीर होंगे यूपी टेट को लेकर, सभी विषयों को लेकर, क्योंकि जो ये 5 से 6 प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से वो कठिन होते हैं, और हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपवाद के प्रश्न होते हैं। यहां तक कि टीजीटी हिंदी का पेपर बहुत सरल आता है, यूपी टेट हिंदी का पेपर बहुत कठिन आता है। इसीलिए आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है और हिंदी की कोई भी अच्छी किताब मार्केट में नहीं है। अच्छी किताब है तो वो आपसे बहुत दूर है। मैं कहूंगा कि आपको अच्छी किताब हिंदी की पढ़नी है तो कामता प्रसाद गुरु की पढ़िए, इतनी मोटी सी किताब है और ज्यादातर संस्कृत को माध्यम बनाकर, संस्कृत को ध्यान में रखकर लिखी गई है, तो आपके पढ़ने से काफी दूर है वो। आपको विद्वान नहीं बनना, आपको हिंदी में 30 में 30 सही करना है। मैं वादा करता हूं हिंदी और संस्कृत में 30 में 30 आपका सही होगा। बस आपको एक काम करना है कि प्रतिदिन वीडियोस देखने हैं और आज से ही तैयारी में जुट जाना है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। बाकी पाठ्यक्रम पर चर्चा बाद में, और बाकी पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है, बाकी चीजों पर अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, विराम चिन्ह है, उपसर्ग है, र का प्रयोग किस तरीके से हम करते हैं, ऊष्ट्र में दूसरे तरीके का र लगा है, इस तरह का र लग दिया है, फिर हमने लिखा भ्रम दूसरे तरह का र लगा हुआ है, कार्य
देखें दूसरे तरह का रा लगा हुआ है। इन तीनों रा का प्रयोग हम अलग अलग कब और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये पूरी बातचीत भी अगली कक्षा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अभी तक पढ़ाई लिखाई छुट्टी हुई थी, अब आप सब थोड़ा आश्वस्त हो गए होंगे कि आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, टारगेट बेथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका मैथ्स का टीचर। टेट की स्टार्ट हुई क्लास में आज आपको दूसरी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसी के आगे वही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वहीं से जहाँ से मैंने एंड किया था आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि आपने पिछली क्लास को देखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट को अपने जहन में उतारा होगा। जब आज की हम क्लास करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसे फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे जो फैक्ट्स वास्तव में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके एग्जाम में बड़ी उपयोगिता होती है। आप विगत कितने भी सालों के, मतलब आप 2-3-4 साल के पिछले पेपर्स को उठा के अगर देखेंगे तो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर उस टॉपिक की गंभीरता और इंपॉर्टेंस क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आपको 2 से 3 प्लस डायरेक्ट ऐसे नजर आएंगे जो कि इसी फैक्ट से ही बनकर आते हैं। मैंने कल जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको नंबर्स के बारे में आपको सिखाया, समझाया कि हमारी जो संख्या प्रणाली होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर हम पूरे मैथमेटिक्स की अपनी बात करेंगे तो हम इसी पूरी संख्या प्रणाली पर ही डिस्कस करते हैं। संख्या प्रणाली में मैंने आपको बताया कि हम सब डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, दशमलविक संख्या प्रणाली का यूज करते हैं जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स के प्रयोग किए जाने की वजह से इस प्रणाली के आधार को 10 निर्देशित किया गया है, 10 बताया गया है। और 10 की भूमिका को आपने अच्छी तरह से देखा है, उसको हम आगे की क्लास में भी कुछ कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ लगातार यही सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और एक आपके जहन में एक फ्लुएंसी बनेगी, मतलब आप मैथ्स को लेकर के बड़े ही सिक्योर होंगे, अपने माइंड को आप सेट कर पाएंगे पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसी वे में हम लोग यहाँ पर चलते जाएंगे। तो जैसे मैंने उन्हीं संख्या प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें बताई आपसे कि क्लासिफिकेशन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, संख्याओं के वर्गीकरण को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी वर्गीकरण को मैंने कुछ इस प्रकार से निर्देशित किया था कि हमने कहा सभी संख्याओं को जो हम लोग पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या कहते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप पॉइंट टू पॉइंट देखते चले जाइएगा, हर एक पॉइंट से संबंधित प्रश्न बनकर आएंगे, इसलिए इसको हमको लेकर के आज की क्लास में फिर से स्टार्ट करना था कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में बटा होता है हमारा पूरा सम्मिश्र संख्याओं का समूह। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि सभी संख्याएं लगभग वास्तविक ही होती हैं और हम इन वास्तविक संख्याओं को 2 अन्य भागों में बांट सकते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की भी डिफिनेशन आपको दी गई कि जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। यहाँ पे मैंने रियल के बारे में भी आपको बताया था कि जिसे हम नंबर लाइन पे निर्देशित कर सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। पूरे नंबर का कलेक्शन ही इस लाइन पे यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता है। इस लाइन में उन संख्याओं को जिन्हें हम बी बटा क्यू के रूप में निर्देशित कर सकें, जिन्हें भिन्न के रूप में दिखा सकें, लेकिन ध्यान ये रखना होता है जहाँ भिन्न में क्यों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वही संख्याएँ आपकी परिमेय होती हैं। जबकि अपरिमेय के लिए मैंने एक छोटा सा अप्रोच आपको बताया कि रूट के अंदर अगर कभी आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे आपका 2 है 3 है 5 है 7 है 6 है 8 है 10 है, आप 1 छोड़ते हैं 4 छोड़ते हैं 9 छोड़ते हैं 16 छोड़ते हैं, अगर इन संख्याओं को हम लेकर चलते हैं तो इन सभी संख्याओं को हम लोग यहाँ पर अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय को फिर 2 भागों में बांटा गया था, एक हमने कहा था इंटीजर बनेगा, दूसरा फ्रैक्शनल बनेगा। इसी लाइन में जो जो नंबर विजिबल थे, जो दिख रहे हैं एग्जैक्टली, जैसे 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, इस क्रम में जो संख्याएं हमारे पास, चाहे हम पीछे की तरफ देखें चाहे आगे की तरफ देखें, उनको उठा के इस कलेक्शन में रख दिया थे, सबकी सब पूर्णांक कहलाएं। और बाकी जो हमारे पास बीच बीच का जो गैप बना, जितनी संख्याएं इस गैप के अंतर आई, उन सबको हम फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या बोले। पूर्णांक संख्याओं को भी 3 भागों में सबसे पहले डिवाइड किया गया, 0 बोला गया, नेगेटिव पॉजिटिव 2 पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक किया। पॉजिटिव और 0 को मिला के सबसे पहला कलेक्शन हमारा होल नंबर का बना, जिसको हम पूर्ण कहते हैं। पूर्ण में शुरुआत 0 से होती है, लगातार गिनते चले जाइए 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक, तो आपको सारी की सारी संख्याएं पूर्ण नजर आएगी। नेचुरल की अगर बात करें तो 1 से लेकर के अगर इन्फिनाइट तक हम चले जाते हैं तो सबकी सब नेचुरल कहलाएंगी।
प्राइम की बात किया तो जो संख्याएं खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं वही संख्याएं प्राइम मतलब अभाज्य संख्या कहलाती हैं, मतलब इनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड संभव होते हैं। जिनके दो से अधिक गुणनखंड संभव होंगे मतलब कम से कम तीन संभव होंगे वो भाज्य होंगे, जैसे चार हुई, छः हुई, आठ हुआ, नौ हुआ, ये सब भाज्य हैं। दो अन्य प्रकार से और संख्याओं को मतलब पूर्णांक को डिवाइड कर सकते थे और इसको अलग लिखने का कारण ये था कि यह नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी, इसलिए इसको रखा गया कि हम लोग यहाँ पे संख्याओं को सम संख्या और विषम संख्या के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। सम के बारे में आपको बताया गया, जिन संख्याओं के अंत में शून्य, दो, चार, छः और आठ आता है वह संख्याएँ सम होती हैं। बाकी अगर देखा जाए जिसके भी अंत में एक, तीन, पाँच, सात या नौ आएगा वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएगी। अब बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करना था मैंने, जैसे प्राइम के बारे में कुछ बातें आपको बतानी थी मुझे। प्राइम में जैसे मैंने बताना था रिलेटिव प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, सम विषम के बारे में भी कुछ फैक्ट्स बताने थे। इतनी सारी फैक्ट्स से संबंधित आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। सारे फैक्ट्स का एक एक टर्म हम लोग यहाँ पर समझ कर चलेंगे। सबसे पहले कुछ बातों को और हम बता दें, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को कराने से पहले ही हम पहले इन सारे फैक्ट्स के बारे में बता देते हैं, फिर प्रश्नों की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ मुझे ध्यान रखना जरूरी है, जैसे अगर हम आपसे कह देते हैं कि ये जितनी भी सम्मिश्र संख्याएँ हैं, जितनी भी सम्मिश्र संख्याएँ हैं, क्या सबकी सब वास्तविक संख्या हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सम्मिश्र संख्याएँ वास्तविक भी होती हैं और काल्पनिक भी होती हैं। लेकिन अगर मैं रिवर्स करके आपसे पूछता कि यहाँ पर क्या सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र हैं, बिल्कुल आप कह देंगे बिल्कुल सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र हैं। आप कहेंगे सभी वास्तविक संख्याएं क्या रियल रैशनल नंबर हैं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, सभी वास्तविक संख्याएं रैशनल हो जाएगी तो रैशनल क्या होगा, तो रैशनल भी होती हैं इसलिए हम कह सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं रैशनल नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई रिवर्स करके हमसे पूछेगा सभी परिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्या हैं, तो आप कहेंगे यस होती हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। दूसरी बात अगर हमसे कोई करे कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हैं, तो आप कहेंगे यस हैं। लेकिन कोई रिवर्स पूछे क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, यस, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हैं, नहीं। यह बात आपको जाननी जरूरी होगी और इसमें बड़े सारे प्रश्न बनकर एग्जाम में आया करते हैं। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स को ही उठा करके हम इस क्लास को आज बनाए हैं। तो जो जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकेगा उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे और एक एक पहलू को हम लोग यहाँ पर गौर करते चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हम आपको बता देते हैं इन्हीं नंबर से रिलेटेड, सम फैक्ट्स। और फैक्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला फैक्ट पहला लेकर चलें अगर, तो हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि जैसे अगर हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर जीरो की बात करें और एक की बात करें, तो आपसे अगर पूछे क्या जीरो और एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या हैं, अगर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात करें, तो पहला फैक्ट्स आपको बताएगा जीरो और एक ना तो भाज्य हैं, ना तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं, ना ही अभाज्य हैं। अब आप ये समझिए ऐसा क्यों है, जीरो और एक ना तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं। जनरली एक के बारे में यह बातें बहुत अच्छे से बताई जाती है कि जीरो और एक के में अगर हम कन्फ्यूजन की बात करें, तो जीरो जैसे एक संख्या है जो कि लगभग सबसे कटती है, जीरो आप देख ही सकते हैं। एक की बात किया जाए तो एक केवल खुद से कटती है, तो पहला फैक्ट हमारे सामने बनकर आता है यह संख्या ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। आप इन पर अगर गहराई से सोचें तो ये बातें आपको समझ में आएगी। दूसरी बात अगर हम कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार भी टेट के एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बहुत लोग कंफ्यूजन में इसमें उत्तर दे देते हैं कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, सर कभी कोई तीन बता देता है, कभी कोई एक बता देता है, क्योंकि अभाज्य के बारे में डिफिनेशन यही दी जाती है जो किसी से न कटे वही अभाज्य है। ज्यादातर लोग इस दिमाग में लोग के पास यही रहता है कि जो किसी से न कटे वही अभाज्य है, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो वही अभाज्य है। बात समझने की कोशिश करिएगा, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो वही अभाज्य है। तो अगर हमने यहाँ पर शुरुआत एक से करी तो हम लोग यहाँ पर एक की बात करें तो एक का केवल एक ही गुणनखंड, अगर सेट बनाएंगे तो केवल एक ही गुणनखंड हो, भले एक चीज है कि वो अपने से कट रहा है और एक से कट रहा है, लेकिन अगर काउंटिंग की बात करें गुणनखंड में तो केवल एक ही गुणनखंड है। इसलिए एक जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, दो से, क्योंकि दो को अगर देखा गया तो दो एक से भी कट जाता है और दो से कटता है, इसके अलावा कोई और संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा और हमेशा दो होती है, इस बात को आपको नोट करना है कि आप सब कभी भी एग्जाम में प्रश्न आए, और अक्सर आता है
इसलिए कंफ्यूज मत होइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा और हमेशा क्या होती है? दो होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट देखें, अगर हम यहां पर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दो को अगर छोड़ दिया जाए, दो को छोड़कर सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। आपको इस बात को समझ में रखना होगा दिमाग में कि अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। कैसे, आप समझिए कि अगर हम लोग यहां पर दो को छोड़ दें तो जैसे आप अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या किसी से कटने वाली संख्या नहीं होती है, जबकि सम संख्या मतलब दो से कटना होता है। आप अगर दो को छोड़ दीजिए तो अभाज्य संख्याओं की टैली करिए, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह की बात अगर हम लोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। लेकिन अगर रिवर्स हम कह दें कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। आप सोचिएगा थोड़ा सा इसके बारे में कि सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती है। जाहिर सी बात है, अगर हमने विषम संख्याओं की बात करी, जैसे 9 लिया तो 9 देख रहे हैं कि अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, साथ साथ 3 से भी कटेगा। आप 15 ले लीजिए, 1 से कटा, 15 खुद से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, है तो विषम लेकिन क्या अभाज्य है? नहीं, अभाज्य संख्या है। तो इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर दो को केवल छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सब विषम होंगी, लेकिन सभी विषम संख्याएं कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती हैं। अगले बात की हम लोग चौथे पॉइंट पे अगर हम यहां पर मूव करें, हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, मैंने आपको जो जो बातें बताई उसको ध्यान देते जाइएगा। हमने कहा दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या तथा अभाज्य संख्या दोनों है, सम संख्या तथा अभाज्य संख्या दोनों है। अब आप अगर देखा जाए संख्या दोनों है, मतलब एक ही संख्या ऐसी होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। अगर हम ऐसी बात करें तो इनके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। अगर दो की बात की जाए तो दो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। दो के अतिरिक्त और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ा फैक्ट, सोचिए, अभाज्य और सम में बड़ा ही कंट्राडिक्शन है। अभाज्य मतलब जाहिर सी बात है ना कटना, जबकि सम का मतलब जाहिर सी बात है कटना। और सम में भी अगर हमने शुरुआत भी करी अभाज्य की तो सम से हुई, मतलब कटने से हुई। जहां से कटना प्रारंभ होता है वहीं से ना कटने की शुरुआत होती है। तो इसलिए यहां पर इस फैक्ट को भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या है। दो के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या कभी भी नहीं हो सकती। इस बात को भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, मैंने 1 के बारे में बताया, 0 के बारे में बताया, मैंने आपको 2 के बारे में बताया, सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य में और साथ साथ सम संख्या भी होती है। हमने और आगे बताया कि अगर हम 2 को छोड़ देते हैं तो सभी अभाज्य संख्या आपकी विषम होती हैं, लेकिन अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे के पॉइंट्स में आते हैं हम लोग यहां पर, सम तथा विषम संख्याओं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सम तथा विषम संख्याओं के बारे में, सम तथा विषम संख्याओं के बारे में, अब देखिए, सम तथा विषम संख्याओं की अगर हम बात करें, मैंने आपसे सम संख्या के बारे में बताया। हमने कहा सम संख्या क्या होती है, जिसके अंत में, अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसके अंत में 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, जिस संख्या के अंत में 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, वही संख्या आपकी सम संख्या होती है। अगर हम किसी संख्या के अंत में 0 पाएंगे, 2 पाएंगे, 4 पाएंगे, 6 पाएंगे, 8 पाएंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए वही संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। बात भी आपको फैक्ट में समझ में आनी चाहिए। अगर हम विषम संख्या की बात करें, तो विषम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंत में 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7 दिखेगा और 9 दिखेगा।
जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा वह संख्या आपकी विषम संख्या होगी, मतलब यह ऐसी संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकेगा, वह संख्या आपकी विषम संख्या होगी। इसमें एक कंफ्यूजन कभी कभी लोगों के जहन में आता है कि जीरो के बारे में पूछा जाता है कि जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। एक बात और मैं आपको समझा दूं कि जो सम तथा विषम संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जैसे मैंने प्राकृतिक पूर्ण संख्या के बारे में, अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में बताया, वह संख्याएं हमेशा और हमेशा धनात्मक होती हैं, लेकिन सम और विषम संख्याएं आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। अब यहां पर कुछ फैक्ट्स और समझ में आते हैं इन दोनों के बारे में कि जैसे अगर हम दो संख्याओं को जो कि सम संख्या है अगर हम उनको इवन लिखते हैं, अगर हम उनको जोड़ दें, दो इवन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो उनका जोड़ हमेशा एक इवन संख्या ही नजर आएगा। अगर आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं जो कि सम संख्या है तो उनका जोड़ हमेशा एक इवन संख्या ही नजर आएगी। आप जोड़ करके किसी भी दो संख्याओं को देख सकते हैं। एक नियम अगला भी है, जैसे अगर दो विषम संख्याओं को भी आप जोड़ेंगे तब भी एक सम संख्या ही नजर आएगी। जैसे आप मतलब ये समझिएगा कि अगर हम किन्हीं दो विषम संख्याओं को भी पाते हैं और उनको भी जोड़ते हैं तो आप सम संख्या, किसी भी ग्रुप को आप उठा लीजिए, आप 3 को उठाइए, आप 7 को उठाइए, 3 भी विषम है 7 भी विषम है तो दोनों का जोड़ 10 होता है और 10 क्या होता है, सम होता है। आप कभी भी कोई संख्या उठाइए जो विषम है, जैसे 7 लिया हमने 11 लिया, 11 और 7 को जोड़ देंगे तो 18 होगा। तो कहने का अर्थ होता है कि दो विषम संख्याओं का जोड़ भी हमेशा सम ही होता है, लेकिन जब कभी एक विषम हो और एक सम हो, एक इवन लिखा एक ऑड लिखा, तो इनका जोड़ हमेशा और हमेशा एक ऑड नंबर ही नजर आता है। यह बात आपको समझनी होगी। जैसे अगर हम एक सम संख्या उठाएं, जैसे 2 लिया, एक विषम संख्या उठाया मैंने 3 लिया, तो 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आया, 5 क्या है, एक विषम संख्या है। मतलब जब हम अपोजिट नेचर के दो नंबर्स को लेते हैं तो कंट्राडिक्ट वैल्यू मतलब विषम आता है। जैसे विषम का वर्ड ही विषम है, आप समझ सकते होंगे कि सम का मतलब समानता, जो हमारे अकॉर्डिंग होता है वो समान वे में होता है, विषम का मतलब जो हमारे कंट्राडिक्ट होता है, हमारे से विरोध में होता है। जब आप दो सेम नेचर की चीजों को ले रहे थे, दोनों सम ले रहे थे, तो आपको समानता मतलब सम नजर आ रहा था। दो सेम नेचर की चीजें भले ही दोनों विरोध में थे, दोनों विषम थे, उन दोनों को जोड़ा तब भी एक समानता हमारे पास सम संख्या ही नजर आई। लेकिन जैसे ही मैंने एक सम संख्या और एक विषम संख्या, दो विपरीत नेचर की चीजों को जोड़ा, तो हमें विरोध नजर आया, मतलब विषम नजर आया। अगर आप इनको वेरीफाई करना चाहते हैं जीरो के साथ, अब जीरो के बारे में अगर हमसे किसी ने पूछा कि सर जीरो क्या होता है, सम होता है कि विषम होता है, तो जनरली हम जीरो का प्रयोग सम संख्या की तरह करते हैं। हम जीरो को कहते हैं जीरो क्या है, एक सम संख्या है। अब आप कैसे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने इस नियम पर, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी एक सम संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लीजिए, आप इसको जीरो के साथ जोड़कर देखेंगे तो 4 आया। मतलब आप देखेंगे कि किसी भी सम संख्या को अगर हम जीरो के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट एक सम संख्या ही होगा। मतलब हमारे इस थ्योरम को फॉलो करेगा यह जीरो, हमारे इस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसको फॉलो किया तो इवन यहां पर भी है। अगर आप कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, दो विषम संख्याओं को जोड़ा तो क्या वो एक सम संख्या बनते हैं, मतलब जीरो बन जाता है, बिल्कुल बन सकते। जैसे 5 और -5 को जोड़ दिया, दोनों विषम है, एक अपोजिट नेचर का है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, जोड़ा तो जीरो आया, मतलब इस फार्मूले को भी, इस मेथड को भी फॉलो कर रहा है। तीसरी बात अगर हम करें कि अगर हम एक इवन नंबर को जीरो मान लें और इसमें किसी ऑड नंबर सपोज करिए 5 को जोड़े, देखिए 5 आया कि नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं किसी जीरो को आप किसी विषम संख्या में जोड़े तो सम हो जाए, हमेशा और हमेशा विषम ही होगा। मतलब जीरो इस पूरे नियम को वेरीफाई करा रहा है। इसलिए जहां भी कहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जीरो क्या है, तो आप कह सकते हैं सर जीरो एक सम संख्या होती है, तो जीरो के बारे में भी आप इस बात को बता सकते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और बातों की तरफ देखें मुड़ करके। हमसे एक शब्द पूछा जाता है, हमसे कभी कभी एक शब्द पूछा जाता है कि ए पाई, एक वर्ड आप सिंबल सुने होंगे, 22/7, 3.14। इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग को बस इतना बता दिया जाता था, पहचान कराई जाती थी, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। लेकिन जब इसको हम गहराई से हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं तो इसके अंदर फैक्ट समझ में आते हैं कि एक्चुअली परिमेय क्या है, एक्चुअली अपरिमेय क्या है, कैसे भिन्नता होती है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है। इस बात को हम लोग समझते हैं तब जाकर के इसके बारे में किसी तरह के ऑब्जर्वेशन को आपके सामने दे पाते हैं। अब आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे हमसे इस शब्द के बारे में, ये एक्चुअली हमने उठा के एक ही प्रश्न बना लिया कि इन तीनों के बारे में अगर हमसे किसी ने पूछा कि इनमें से प्रत्येक क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप अभी तक हम लोग चिन्हित करते थे, कलेक्शन दिया रहता था, नंबर दिया रहता था, आपसे पूछा जाता था कि बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय, आप देख लेते थे, देख करके अपना अगर आ गया तो बता दिया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, ये बात हम लोग की आती थी। अब अगर हम इसको अगर समझें और समझ करके बताएं कि अपरिमेय है कि अपरिमेय है, इसके बारे में थोड़ा समझिए।
आपने पढ़ा है परिमेय क्या है। हमने पढ़ा परिमेय कोई भी भिन्न है, एक ऐसी भिन्न संख्या है जिसके डिनोमिनेटर में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मेट बने, लेकिन भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, वही परिमेय है। आप किसी भी प्रकार से, अगर किसी ने हमसे जीरो के बारे में भी पूछा तो हम कहेंगे जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को अगर मुझे प्रदर्शित करना है तो भिन्न में कुछ भी लिख करके डिनोमिनेटर में दिखाएंगे तो उसका मान जीरो माना जाता है। यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर हमसे किसी ने जीरो के बारे में पूछा है तो जीरो आप बता सकते हैं एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो सम संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, आप लोग इसको एग्जैक्टली बता सकते हैं। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, इसको एकदम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपरिमेय के बारे में आपको बताया गया कि वह संख्या जो होती है जो ना कटती है ना ही आवर्ती होती है, मतलब आप ऐसी संख्या, ऐसे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं किसी भाग के दौरान या किसी कैलकुलेशन के दौरान, आप ऐसे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं जिसमें दशमलव के बाद चीजें अनडिफाइंड या इनफिनाइट तक बढ़ती चली जाए और इसका कोई रिपीटिशन ना होने पाए, कोई ग्रुप ना बनने पाए। ऐसा रिजल्ट हमने देखा था कि भाग में संभव नहीं होता है। ऐसा रिजल्ट केवल और केवल वर्गमूल में संभव होता है, वो भी तब जबकि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पूर्ण वर्ग, जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उनका वर्गमूल अगर आपसे किसी ने कहा निकालने को, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो होगा वह आपका परिमेय संख्या होगा। जब मैंने इन दोनों को फेस किया, मैंने जैसे इसको फेस किया तो मैंने साफ साफ देखा ये भिन्न है, ये भिन्न है, और भिन्न में अंश है, अर है, हर हमारा शून्य के बराबर नहीं है, तो देखते ही बता देंगे परिमेय है, इसको तुरंत बता दिया परिमेय है। हमसे किसी ने इसके बारे में पूछा, हम कहेंगे 314 बटा आप इसको 100 लिख सकते हैं, अगर आप काटेंगे जैसे 50 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 157 बटा 50 लिख सकते हैं, और भी आगे आप सिंपलीफाई अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, मतलब फिलहाल तो नहीं है, मतलब ऐसी संख्या के रूप में लिख दिया जिसमें भी अंश है और जिसमें भी हर है, हर का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो यह भी एक परिमेय संख्या बनकर आई, यह भी एक परिमेय संख्या बनकर आई। लेकिन जब बात हमसे किसी ने करी पाई की, हमसे पूछा कि आप बताइए पाई क्या है, तो हम कहेंगे पाई तो पहले हमारे लिए क्लियर ही नहीं कि पाई है क्या। जैसे पाई के बारे में जब हम आपसे पूछते हैं क्लास में तो आप लोग भी कहते हैं सर पाई का मान कितने, लोग बताएं 22/7 है, ज्यादातर उत्तर यही क्लास में आता है कि पाई का मान 22/7 है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर पाई एक सिंबल है जो रेडियन की तरह यूज किया जाता है, रेडियन की तरह यूज किया जाता है, और इस पाई का जो डिग्री मान होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब पाई को हम अलग अलग नजरिए से नोटिस करते हैं, पाई एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि पाई का मान हमेशा 22/7 है, वो अलग अलग अप्रोच पे पाई को हम लोग अलग अलग मैनर पे यूज करते हैं। जैसे आप पाई को जब जो है एंगुलर मेजरमेंट के हिसाब से नोटिस करेंगे तो आप कहेंगे सर पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री के बराबर होता है, 1 रेडियन माना जाता है और इसको 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं। कोई कहेगा सर जब मेंसुरेशन में सर्कल में हम लोग यूज करते हैं या जहां पर भी यहाँ पे सर्कुलर वेव बनता है, सर्कुलर कंडीशन बनती है, वहां पे पाई का मान 22/7 यूज किया जाता है, और कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेट करके 3.14 भी अप्लाई कर लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो पाई को हम लोग कंसीडर कर ही नहीं पा रहे एग्जैक्टली, इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचना पड़ता है, इसलिए इन्वायरमेंट तो है ही नहीं कोई यहाँ पे हमारे पास, तो हम लोग इस तरह से पाई को जस्टिफाई ही नहीं कर पाते कि पाई एक्चुअली क्या है। अगर पाई एग्जैक्टली आपको 22/7 दिया है तो आप उसको परिमेय बोलेंगे। पाई अगर हमें 180 डिग्री दिया है, पाई अगर हमें 180 डिग्री दिया है तो 180 डिग्री को भी हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि है क्या 180 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं 180 डिग्री क्या है, कुछ लोग हमको बताते हैं जो जानकार होते हैं वो कहेंगे सर इसका मतलब 50% है, एकदम सही बताते हैं, गलत नहीं बताते, 50% है, क्योंकि 180 डिग्री कंप्लीट एंगल का आधा होता है, कंप्लीट एंगल सुना होगा आपने 360 डिग्री होता है, ऐसे ही पूरे मान 100% का आधा होता है, आपने सुना होगा। आप पाई चार्ट पढ़ेंगे हमसे तो पाई चार्ट में चीजें आपको बताई जाएगी कि जैसे 100% 360 डिग्री होता है वैसे ही 180 डिग्री 50% के बराबर होता है, भिन्न के हिसाब से इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं, मतलब किसी एक कंप्लीट वैल्यू का आधा हिस्सा होता है। जब आधा दे दिया तो आप कह दीजिए परिमेय है, लेकिन पाई दिया तो हम थोड़ी कहेंगे परिमेय है। तो पाई को हम ना तो हम यहां पर ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि हम खुद से श्योर ही नहीं हो पाते कि हम कहें क्या, तो इसलिए पाई को हमेशा और हमेशा एक अपरिमेय संख्या बताया जाता है। तो पाई को जब मान नहीं दिया है तो पाई को हम लोग क्या बताएंगे, एक अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किए रहिएगा कि पाई अगर सिंबल के रूप में आपको दिया गया है तब तो अपरिमेय है, लेकिन पाई को अगर मान के रूप में दिया गया तब वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह बात आप अच्छी तरह से नोटिस करके चलिएगा। चलिए, यह बातें आपको समझ में आई। इसमें कुछ और चीजों के बारे में भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं, इसमें हमसे किसी ने पूछा सर आप ये बताएं कि 1/1, 0/1, 1/0, 0/0 क्या है, ये सब परिमेय है कि अपरिमेय है, हमसे किसी ने पूछा।
तो अलग अलग हमसे पूछा जाएगा, फिलहाल हम यहाँ पर एक ही में आपसे बात कर रहे हैं। तो हमसे किसी ने पूछा कि सर ये बताएं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम परिमेय अपरिमेय की डिफिनेशन अभी भी डिस्कस आपसे कर ही रहे हैं, हम उसी के हिसाब से आपको इसका भी उत्तर देना चाहेंगे। उत्तर तभी दे पाएंगे जब हम उन फ्रैक्शंस को डिक्लेयर कर पाएंगे, उनके मान को, एक्चुअली उनका मान है क्या, एक बटा एक क्या होता है, जीरो बटा एक क्या होता है, एक बटा जीरो क्या होता है, जीरो बटा, जब इन चीज को आप जस्टिफाई करेंगे तभी आप कह पाएंगे कि यह चीज परिमेय है कि अपरिमेय है। भाई आप भिन्न तो पहले डिक्लेयर करिए, बैलो तो बताइए। तो बैलो बताने जब हम गए, जैसे हमने एक बटा एक को देखा, अब आप एक बटा एक की जगह पर अगर पांच बटा पांच लिखिए, दस बटा दस लिखिए, सौ बटा सौ लिखिए, हजार बटा हजार लिखिए, माइनस दस बटा माइनस दस लिखिए, आपकी इच्छा। अगर हंस और हर किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान होता है तो कोई भी मैथमेटिशियन, कोई भी टीचर आपको यही बताएगा, सर इसका मान हमेशा और हमेशा एक होता है, इसका मतलब ये भिन्न है। आप समझ सकते होंगे दे आर ऑल कॉल फ्रैक्शन, ये सभी के सभी फ्रैक्शन हैं, मतलब भिन्न है, और भिन्न में आप सब समझते हैं कि भिन्न का मतलब बंटवारा होता है, मतलब किसी एक अंश राशि को, किसी एक वैल्यू को, उसको डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर के हिसाब से, हर के हिसाब से उसको बांटा जाता है। ये बात आपको स्पष्ट होगी, हर के हिसाब से बांटा जाता है। तो फ्रैक्शन हमारा बनकर आया, हमारे सामने फ्रैक्शन बन के आया, अंश मतलब एक था, हर मतलब एक था, एक रुपए की प्रॉपर्टी, एक लोगों को बांटना था तो एक रुपया उसको दे देंगे, काम खत्म। सौ लोग की प्रॉपर्टी, सौ लोगों में बांटना, सबको एक मिलेगा। हजार की प्रॉपर्टी, हजार में बांटना, सबको एक मिलेगा। 500 की प्रॉपर्टी, 500,000 की प्रॉपर्टी, जितनी हमारी प्रॉपर्टी उतने लोग, सबको एक एक मिलेगा। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 टॉफियां हैं, 100 को देंगे, एक एक टॉपी सबको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कभी भी किसी भिन्न में जब अंश और हर आपके समान होते हैं तो उस वैल्यू का मान हमेशा एक होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका मान हमेशा एक होगा। यहां कुछ भी अगर उतना बटा उतना होता तो मान एक होता। जीरो बटा एक की बात की जाए तो जीरो बटा एक के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं हमें, अभी आप लोग भी तुरंत उत्तर बता रहे होंगे कि उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जीरो बटा एक बराबर जीरो होता है, और हम क्यों होता है, मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं कि जीरो बटा एक का मतलब भी बंटवारा ही है, जीरो को बांटा गया है कुछ लोगों में। अच्छा, जीरो बटा अगर एक ना होता, जीरो बटा कुछ भी होता, जीरो बटा यक्स होता, मतलब दस होता, हजार होता, लाख होता, करोड़ होता, मतलब जीरो की प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं, बांटने की इच्छा है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, बांटने की इच्छा है। तो बांटने की इच्छा का मतलब हम सबको बांट तो सकते हैं, लेकिन सबको क्या देंगे, जीरो देंगे। सबको क्या देंगे, जीरो देंगे, मतलब जीरो बटा कुछ भी, याद रखिएगा, जीरो बटा कुछ भी हमेशा और हमेशा जीरो होता है, जीरो बटा कुछ भी हमेशा और हमेशा जीरो होता है। जब भी आप जीरो की प्रॉपर्टी को आप कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मान सबको जीरो देंगे। अगला वर्ड आया एक बटा जीरो, तो हमसे पूछा सर एक बटा जीरो का मतलब बताएं। एक बटा जीरो का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक की जगह पर ऊपर कुछ भी हो सकता है, एक की जगह पर ऊपर कुछ भी हो सकता है, वहां पर एक्स, सौ, वाई, कुछ भी हो सकता है। मतलब कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है अगर मुझे बांटना है उसको, और बांटने की इच्छा ही नहीं मेरी, मतलब क्यों इच्छा नहीं, आप देख सकते हैं इस वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि मैं बांटना जीरो लोगों को चाहता हूं, मतलब मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं जीरो लोगों को बांटना चाहता हूं, क्या कभी प्रॉपर्टी आपकी खत्म होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके जो बांटने, जो लेने वाले लोग हैं ही नहीं, ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, कभी भी खत्म ही नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। जब भी याद रखिएगा जीरो अपान एनीथिंग, जीरो अपान एनीथिंग हमेशा जीरो होता है, जबकि एनीथिंग अपान जीरो हमेशा इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता, अपरिभाषित होता। आपके यहाँ प्रश्न आ सकता है तो आप लिखेंगे अपरिभाषित होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपरिभाषित होता है, आप इसको समझ सकते हैं। अब एक शब्द आया मेरे सामने जीरो बटा जीरो, अब आपसे इसके बारे में पूछा गया तो आप इसका उत्तर बताएंगे हमें कि क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग इसका उत्तर जीरो बता देते हैं, वन बता देते हैं, कंफ्यूजन बहुत सारा है कि आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, और बताएं भी क्यों ना, जो हमने पढ़ाया अगर उसी को आप पढ़कर देंगे उत्तर तो आप कहीं भी कहेंगे सर इसका उत्तर तो एक होगा, और आप अगर ऐसा बोलेंगे तो हम उसको गलत भी नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि आपको ही मैंने बताया है कि अगर ऊपर नीचे सेम होता है, अंश और हर समान होते हैं, तो मान हमेशा एक हो जाता है। तो यहां भी तो अगर कोई देख करके स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन कर लिया तो हम तो आंसरलेस हो जाएंगे। उसने हमसे कहा सर आप ही ने तो बताया है कि अंश और हर अगर समान है तो मान एक होता है, तो आप जो बता रहे हैं हम गलत थोड़ी आप बता रहे हैं, कि आपने हमारी बात को सुनकर कि हमें आंसर दिया है और बताया एक, तो मैं आंसर लेस हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आगे बढ़िएगा। आगे हमने अगर आपने आपको आपने मुझे एक बताया तो मैंने कहा अच्छा एक बात और बताऊं, मैंने एक चीज तो और आपको बताया है कि जीरो बटा एनीथिंग मतलब आप हर मत देखो, अंश देख लो, अगर अंश जीरो हो गया तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो आपको मैंने ये भी तो बताया आप एक ही क्यों बताए, आप जीरो बता दो। क्यों, क्योंकि जीरो अपान एनीथिंग, एनीथिंग को देखो ही मत, एनीथिंग में कुछ भी हो, आपको तो यही लिखाया गया जीरो अपान एनीथिंग हमेशा जीरो होता है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा एक व्यक्ति आया, उसने कहा आपने ये भी तो बताया कि एनीथिंग अपान जीरो,
एनीथिंग अपॉन जीरो का मतलब ऊपर ना देखे नीचे देखा और हमने कहा कि अनडिफाइंड इज कमांड, तो हमें तो तीन उत्तर समझ में आए, हम तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए तीन उत्तर पर यहां पर आए हैं, वन जीरो और अनडिफाइंड। वन जीरो और अनडिफाइंड, वन तब आया जब मान इसका कितना हुआ इन्फिनिटी, मतलब जीरो अपान जीरो हुआ, मैंने कहा जब सेम टू सेम रहता है, आंसर है समान रहता है तो मान एक होता है, जब जीरो अपान एनीथिंग होता है तो मान जीरो होता है, एनीथिंग अपान जीरो होता है तो मान अनडिफाइंड होता है। जब ये तीन उत्तर हमें समझ में आए तो आप तुरंत यहां पर कह देंगे कि सर ये तीनों उत्तर हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में इसका मान अनसर्टेन होता है। क्या होता है? अनसर्टेन होता है, हिंदी में इसको अनिश्चित कहते हैं। इसका मान अनसर्टेन है, जिसका मतलब अनिश्चित होता है। जैसे आप इसके बारे में निश्चित हैं कि अनडिफाइंड होगा, इसके बारे में निश्चित हैं कि वन जीरो होगा, इसके बारे में निश्चित हैं कि एक होगा, लेकिन इसके बारे में हम अनिश्चित हैं कि मान क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर ट्वेल्थ में जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कभी फंक्शन बनता था कैलकुलस में जीरो अपान जीरो के फॉर्म में, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी के फॉर्म में। इस तरह के फॉर्मेट को हम अनसर्टेन फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते थे, और वैसे फंक्शन को अगर कैलकुलस में हमें डिफरेंशिएट करना होता था तो एल हॉस्पिटल रूल लगता था, जिसके थ्रू हम उसको थोड़ा रिड्यूस करके फिर से डिफरेंशिएट कर देते। तो कहने का अर्थ ये होता है कि यह जो बातें हैं आपकी, जो हमने देखा कि इस वैल्यू का रिजल्ट अनसर्टेन है, जिसको अनिश्चित कहा जाता है, मतलब आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इन्फिनाइट होगा, किसका आंसर जो है जीरो होगा, किसका आंसर एक होगा, इसका मान अनसर्टेन होगा, जिसका मतलब होता अनिश्चित होना। तो इसलिए यहां पर हम परिमेय या परिमेय की जब बात करेंगे तो इसको तो आप परिमेय बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको आप परिमेय बोल सकते हैं, मैंने जीरो के बारे में भी आपको बताया था, बट इसको ना परिमेय बोल पाएंगे ना तो इसको परिमेय बोल पाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी जानकारी आपने सीखी कि इनका एक्चुअली मान होता क्या है, यह बातें भी आपको समझ में आई होंगी। कुछ और बातों की तरफ हम लोग यहां पर मूव करते हैं, कुछ और बातों में अगर आएंगे तो हमारे सामने अगली कंडीशन है, आप लोग उसको देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है प्राइम मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ध्यान दीजिएगा, भाज्य और अभाज्य के बारे में मैंने काफी चीजें आपको ऐसे भाज्य अभाज्य में बताया है, ज्यादातर अभाज्य संख्याओं की बात की जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया है कि अभाज्य संख्याओं में मैंने कुछ कैटेगरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। अभाज्य संख्याएं आपको पता है कि वह संख्या होती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। अब दो गुणनखंड होने का मतलब हर संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। जैसे एक किसी भी संख्या को आप उठाइए तो संख्या के दो गुणनखंड तो निश्चित हैं, एक तो वह एक खुद होता एक होता है, एक तो वह संख्या खुद ही होती है। अगर वह संख्या आपकी n है तो उसका एक गुणनखंड 1 होगा, ये 1 सबको काट देता है और वह संख्या भी अपने आप को जरूर काट लेगी। तो यही संख्या आपकी अभाज्य है। इसमें कहा जाता है जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हीं को अभाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल पे आपने सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से आपने संख्याओं का समूह देखा जो कि अभाज्य संख्या कही जाती थी, जो कि अभाज्य संख्या कही जाती थी। अब अभाज्य की अगर टर्म्स की बात करें तो जैसे मैंने एक आपसे बताया कि रिलेटिव प्राइम होता है, आप इसको रिलेटिव को आप अपेक्षित अभाज्य संख्या बोल सकते हैं या सापेक्षित अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, अपने हिसाब से हिंदी अर्थ इसका समझ लीजिए। बहुत ज्यादा प्रयोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूछने की स्थिति में है कि अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य का मतलब होता है कि कोई भी एक संख्या का जोड़ा, कोई भी संख्या का पेयर जिनका जो एससीएफ हो, एससीएफ मतलब उनके बीच का कॉमन गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर वह 1 हो जाए, मतलब उनके बीच कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो दोनों को काट सके, तो वह संख्या आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिव प्राइम कहलाती है। जैसे आपने कहा 1 है 2 है इसके बारे में, तो आप कहेंगे कि अच्छा इसमें दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, बस दोनों के बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, एनी पेयर कोई भी जोड़ा हो सकता है, मतलब उसका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्राइम उनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे हमने 1 और 2 की बात करी, तो इनको आप अपेक्षित कहेंगे, लेकिन ध्यान रखने की बात देखिए, जैसे 1 के बारे में बताया कि 1 आपको पता है कि अभाज्य नहीं है, 2 भले अभाज्य है लेकिन 1 अभाज्य नहीं है, लेकिन इसको हम रिलेटिव प्राइम कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया को इसे हमने कहा 3 ले लीजिए और आप अब आप जैसे और की बात अगर करें, हमने कहा 2 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं, हमने कहा 2 ले लीजिए और आप 15 ले लीजिए, 2 ले लिया 15 ले लिया। अब आपको पता है कि 2 और 15 में भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि 2 अभाज्य है और 15 आपका क्या है, भाज्य है।
तो ये आपको समझ में आया होगा कि भले भाज्य है लेकिन इन दोनों के पेयर को अपेक्षित अभाज्य कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो हमको अपेक्षित अभाज्य में यही जानना है कि दो ऐसा कोई भी पेयर आपको उठा के कोई नंबर का दे दे जिनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, वह संख्याओं का जोड़ा जो बनकर आया वह आपका रिलेटिव प्राइम बनकर आया। दूसरी बात अगर हम लोग करें, अभी हम आपको इसको पूरा रिलेट कर देंगे, थोड़ी देर में आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला देखिएगा, उसी प्राइम का, जैसे मैंने प्राइम का एक पार्ट आपको बताया रिलेटिव, दूसरा हम कहेंगे को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जो अभी जोड़ा बनेगा, जोड़ा जो बनेगा उस जोड़े में दोनों का अभाज्य होना जरूरी है। जैसे मतलब एनी पेयर ऑफ प्राइम नंबर, जैसे डिफिनीशन कहीं किताब में देखेंगे आप तो आपको लिखा जाएगा दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, मतलब एक किसी अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। तो यह बताने की बात थोड़ी है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं लेंगे तो उनके बीच कॉमन गुणनखंड कभी भी नहीं होता है। आप किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए, जैसे हमने कहा किसी ने दो और तीन ले लिया, किसी ने कहा सर तीन और सात ले लेंगे, किसी ने कहा सर सात और ग्यारह ले लेंगे, आप कुछ भी ले लीजिए, अगर वह सभी अभाज्य हैं तो इनके बीच कभी भी कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो इनको हम को प्राइम कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में इनको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं में हमको ये बताया जाता है कि कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए जिनके बीच कुछ भी कॉमन गुणनखंड ना हो। वह भाई सीधी सी बात, इसमें कहना नहीं पड़ेगा दूसरी लाइन को कि आपको पता है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनके बीच कभी भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, तो उनको हम कहेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। एक अगला बनेगा तीसरा, इसी में ट्विन प्राइम। ध्यान दीजिएगा ट्विन के बारे में, ट्विन में ऐसा होता है कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर दो का हो। ध्यान दीजिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर दो का हो उनको हम सह अभाज्य कहते हैं। जैसे हमने लिखा तीन और पांच। अब आप बताइए तीन पांच में क्या कॉमन है? तीन पांच तो पहली चीज अभाज्य है, साथ साथ इनके बीच गैप दो का है। पांच और सात ले लिया तो आप बताइए अभाज्य है, साथ साथ गैप कितने का है? दो का है। ग्यारह तेरह को अगर हमने लिया तो ये भी आप देखिए अभाज्य है, इनके बीच भी गैप कितने का है? दो का है। 29 लिया, 31 लिया, अभाज्य हैं, इनके बीच भी गैप कितने का है? दो का है। तो दो ऐसी अभाज्य संख्याओं को लेकर हमें दे दीजिए जिनके बीच का जो डिफरेंस हो दो का हो, तो वह सभी संख्याओं का जोड़ा ट्विन प्राइम कहलाता है, आपका जो है ट्विन प्राइम कहा जाता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम यहां पर थोड़ा सा इन सब में रिलेशन एस्टेब्लिश कराएं तो रिलेशन देखने की जरूरत है हम लोग को कि क्या किस तरह का रिलेशन हमारे सामने बनकर आ रहा है। जैसे हमने कहा रिलेटिव, मैंने कहा को प्राइम, मैंने कहा ट्विन प्राइम। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बात को अच्छे से समझिएगा। जितने भी को प्राइम होंगे सबके सब रिलेटिव प्राइम भी होंगे। यस, अगर किसी ने कहा कि सभी को प्राइम क्या रिलेटिव होते हैं, आप कह दीजिए बिल्कुल होते हैं। किसी ने क्या पूछा कि हमें क्या सभी रिलेटिव आपके को होते हैं, हमने कहा नो। किसी ने हमसे पूछा कि क्या सभी ट्विन जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, हम कहेंगे यस। हमसे किसी ने पूछा क्या सभी जो को प्राइम है सब ट्विन होते हैं, हम कहेंगे नो। किसी ने हमसे पूछा क्या सभी ट्विन प्राइम रिलेटिव होते हैं, हम कहेंगे यस। किसी ने हमसे पूछा क्या सभी रिलेटिव प्राइम ट्विन होते हैं, तो हम कहेंगे नो। ये कंडीशन बनी। अब आप क्यों ऐसा हम कह रहे हैं इसको समझिए। जैसे मैंने इस तरह से आपको बताया कि रिलेटिव मतलब आपका क्या हो गया, रिलेटिव का मतलब हुआ अपेक्षित। आप कोई भी दो जोड़े ऐसे रखेंगे जिनके बीच कॉमन कुछ ना हो, वह आपका क्या है, रिलेटिव है। लेकिन उनका प्राइम होना कंपलसरी है, लेकिन उनके बीच दो का गैप होना कंपलसरी है। जैसे जैसे कंपलसरी की सिचुएशन आएगी बहुत सारी चीजें हट जाती हैं। देखिए मैंने कहा कुछ भी रख दीजिए, आपने दो को रखा, नौ को रखा, आप इसको कहेंगे रिलेटिव है, लेकिन हम इसको दो और नौ को कभी भी नहीं कहेंगे को है। क्यों? क्योंकि दो क्या है, भाज्य संख्या है। दो और नौ को कभी भी नहीं कहेंगे हम लोग यहां पर ट्विन है, क्योंकि इसमें भाज्य संख्या है। मैंने कहा दो और तीन और पांच, तो तीन और पांच को हैं मतलब सह हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि अभाज्य हैं। सह हैं तो रिलेटिव भी हैं। और साथ साथ ये आपके तीन और पांच अगर देखा जाए तो आपके जो है ट्विन भी हैं, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, दो का है। जबकि अगर जैसे हम एक और बना ले, हमने कहा दो और तीन सह तो हैं, साथ साथ रिलेटिव भी हैं,
लेकिन आपके ट्विन नहीं है, दो और तीन अगर देखा जाए तो ट्विन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच गैप दो का नहीं है। बात अगर जिन्होंने सीरियसली देखी होगी उनको समझ में आया होगा, मैंने आपको बताया कि सभी को प्राइम जो होंगे वह आपके रिलेटिव होंगे, सभी ट्विन जो होंगे वह आपके को होंगे। इसका मतलब सभी ट्विन जो होंगे वो रिलेटिव भी होंगे। सभी रिलेटिव ट्विन नहीं होंगे, यह यस था, यह यस था, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था वो आपका नो था, जो नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था वो नो था। तो याद रखना है कि सभी सह अभाज्य अपेक्षित होती हैं, सभी ट्विन जो होती हैं वह आपकी को होती हैं, साथ साथ सभी ट्विन आपकी रिलेटिव भी होती हैं, लेकिन सभी रिलेटिव को नहीं होती हैं और सभी को जो है आपके ट्विन नहीं होते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने ये बातें आपको बताई है। तो इस क्लास में आपने इस तरह की बातें, जैसे हमने नंबर्स पे जो भी और बेसिक फैक्ट्स हो सकते थे मैंने आपको बताए, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन आप प्रयास ये करें चीजों को फिर से गंभीरता के साथ पढ़ें जिससे कि यह बातें आपको स्पष्ट हो जाए। उम्मीद है कि यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और साथ साथ इतना भी विश्वास दिलाता हूं कि इससे आपको 2 से 3 प्रश्न बनने ही अनिवार्य है, मतलब आप जरूर उसको एग्जाम में देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।